तो क्या हाल चाल दोस्तों, आई होप सारे भाई अपने बिस्तर में मजे ले रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो भाई रोस्ट वीडियो नहीं बल्कि एक सिंपल व्यू पॉइंट वीडियो देंगे, ताकि भाई चैनल पे किसी तरह का इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3 चैनल उड़ चुके हैं। भाई वीडियो शुरू करते हैं। अभी भी सदा स्किपिंग कर रहा हूं 15 किलो वेटेड वेस्ट के साथ। तुम लोग दो नंबर सोच नहीं सकते ना, सब कुछ छोड़ दो। तुम लोगों को मेरा ईगो लगता होगा, आप लोग जानते ही होंगे, मैं तो जानता नहीं भाई, ऑनेस्टली बोलूं। अब इस बंदे का मतलब बात इस तरह है कि भाई फेंकता है इतने हाई लेवल पे, लेकिन करता क्या है आप लोग, मतलब बातें तो ऐसी कर रहे हैं जैसे कि मतलब भाई हारता हुआ मैच जिता दिया। हमें देखने मिल रहा है कि भाई इस तरह से पिट के आया है। आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, इस बंदे को तो शायद आप लोग जानते हैं। दादागिरी थोड़ा चलेगी मेरे भाई ना, दादागिरी किसी की सहन नहीं कर पाएंगे, और ना आज तक हमने करी। तो भाई हवाबाजी, जो कि हर परिंदे को ये हवाबाजी का शौक पड़ी जाता है। अभी इस अगले को भी क्या क्या बोला जाए यार, ये बंदा बोलता है कि मैं प्रैंकस्टर हूँ। प्रैंकस्टर क्या होता है इन लोगों को पता ही नहीं। एक लड़का मैसेज किया था हमको कि हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, फलाना ढिमकाना। नहीं, तुम अपने ही हिसाब से बता दो कि तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, थे? फिर फेस टू फेस बात करेंगे। रहा नहीं जाता। मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया उसका, मैंने बोला उसको अगर इतनी गौर से लेक्चर अटेंड कर लेते तो आज ये वीडियो देखना नहीं पड़ता भाई। प्रैंक हो गया आपके साथ। भाई सिंपल सी बात है, किसी बंदे के साथ में तुम कुछ बता रहे हो और उसके बाद में उसके साथ कुछ और कर रहे हो, और जब पकड़ा जा रहे हो तो प्रैंक। अब ये बंदे का काम क्या है, आप लोग ने देखा, जैसे ये पब्लिकली जाता है डांस करता है। अब इसे अगर लीगली तौर पे देखा जाए तो भाई पब्लिक में न्यूसेंस, मतलब आवाज बेफुजूल में चिल्लम चाली करना, भाई अच्छी खासी इम्प्रिजमेंट हो सकती है। 2 दिन का फेम मिलता नहीं है कि भाई इस सिर पे चढ़ के पागल होके नाचने लगे। इधर मंदिर है और इधर गरीब है, और इधर गरीब लोग है। लोग मंदिरों पर आता है, दूध चढ़ा के चले जाता है, पर आज तक कभी किसी ने ये नहीं देखा कि मंदिर के सामने गरीब लोग हैं। मेरे दोस्तों, आप दूध पर शिवलिंग चढ़ाते हो। भाई वो जो नशा नहीं होता है, हाँ वही वाला नशा, मतलब सुबह सुबह के 7 बजे इन लोगों ने वो नशा फूंक लिया है, दूध पर शिवलिंग। भाई मतलब यार पुणे सुपरस्टार, मतलब नाम का ये सुपरस्टार है। बिग बॉस ने भी इसको लात मार के निकाल दिया। अब जोगिंदर जाना चाह रहा है बिग बॉस में, पिछले कई सालों से ट्राई कर रहा है, मौका मिलेगा भाई, ये साल तो पक्का जाएगा। ये साल ऑलरेडी तेरे भाई लोग आए हैं तो तू भी जाएगा, लेकिन भाई इस तरह की हरकतों से ना तू जल्दी घर से बाहर आएगा। जैसा पुनीत सुपरस्टार आया था वैसे ही तू भी आएगा। मतलब यार इतना मतलब, चलो कोई बंदा काम कर रहा है, काम करके पैसे ला रहा है घर पे, वो प्राउडली बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैंने कमाया, मैंने इतने घंटे दिए, मैंने कमाए। अब पुनीत सुपरस्टार और जोगिंदर को, इन दोनों को क्या सोच के, इन लोग की सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं है भाई मार्केट में, आप लोगों को बता दूं।